नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मगतपुर गिरिडीह, सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाए निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CLTVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सनमति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। नगर निगम के पदाधिकारियों ने टावर चौक के समीप चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथी दुकानदारों का काटा गया चालान। कई दुकानदारों को दायरों के अंदर दुकान चलाने का दिया निर्देश। शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय की टीम पहुंची गिरिडीह नगर भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुए अब तक के कार्यों की हुई समीक्षा। वंचित लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का दिया गया निर्देश। जिला कोल कल्याण समिति गिरिडीह की ओर से मनाया गया विजय दिवस। इसके पूर्व समाज से जुड़े लोगों ने आदिम जनजाति का दर्जा और अन्य मांगों को लेकर निकाली रैली। बाबूलाल मरांडी समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। बिजली विभाग की ओर से बेंगाबाद थाना में 9 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी का दर्ज हुआ मुकदमा। छापेमारी के दौरान बिना कनेक्शन के बिजली जलाते पाए गए लोग, 12,000 से अधिक का लगाया गया जुर्माना। और प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने गांडे प्रखंड के नए अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, MO और SDPO के प्रभारी के रूप में ग्रहण की पदभार। विभाग के कर्मियों ने किया स्वागत। और अब खबर विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के टावर चौक के समीप सोमवार को नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क को कब्जा कर फुटपाथ पर फल सब्जी व अन्य सामान बेच रहे दुकानदारों का चालान काटा गया। वहीं कई दुकानदारों को आगे से ऐसी गलती नहीं करने की वार्निंग दी गई। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच कुछ देर के लिए जमकर बहसबाजी और नोकझोंक भी हुई। हालांकि नगर निगम के कर्मचारियों ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान 15,000 रुपए से अधिक का चालान काटा गया। इस बाबत अभियान का नेतृत्व कर रहे सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि सड़कों को अतिक्रमण कर लेने से आवागमन में लोगों को भारी परेशानी होती है, जिसके कारण लगातार जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से फिर से एक बार अभियान को गति दी गई। उन्होंने निगम के क्षेत्र के दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि जहां तक दुकान का क्षेत्र है वहीं तक दुकान सजाए, वरना कार्रवाई हर हाल में की जाएगी। उपनगर आयुक्त स्मृता कुमारी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जाम की समस्या से संबंधित संज्ञान मिलता है तो निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है ताकि जाम की समस्या उत्पन्न हो और लोगों को आवागमन में सुविधा हो। उन्होंने भी आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि निर्धारित स्थल पर ही ठेला और दुकान लगाएं ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। इस अभियान में निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। तो निगम का रेगुलर सर्विसेज है, जैसे जैसे संज्ञान मिलता है वैसे वैसे हम लोग जगह जगह पे इंक्रोचमेंट का ड्राइव चलाते रहते हैं और कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा दिक्कत होती तो वहाँ पे स्पेशल ड्राइव के साथ उनको तुरंत में हटाया था, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको देखते हुए निगम समय समय पर ये ड्राइव चलाते रहते हैं।
ठीक है। और सबसे अभी बोल भी रहे हैं कि जो अतिक्रमण हो जा रहा है उसको हटाया जाए, अगर जो अतिक्रमण हम लोग वार्निंग के बावजूद अगर जो हटाएंगे नहीं उन पे जुर्माना लगाया जाए। अभी कितने का जुर्माना काटा गया है? अभी 5-15 हज़ार का हुआ है। और क्या कहना चाह रहे हैं जनता को? जो जनता भी ये किसी के ये अगर साफ ठीक रहेगा मतलब अच्छा रहेगा तो आवाजवन में किसी को सुविधा नहीं होगी। आम नागरिक के लिए किया जा रहा है, जो अपना क्षेत्र जितना दुकान है उतना में ही लगाए। शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय की टीम सोमवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान अधिकारियों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर नगर भवन में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के निर्देशक जयप्रकाश पांडे ने की। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत अब तक किए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली गई तथा वंचित लाभुकों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान निदेशक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आमजनों के लिए काफी लाभकारी है। लोगों को इसे जोड़ने के उचित प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त IAS प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता निदेशक DRDA उपनगर आयुक्त सदर अनुमंडल पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी जिला कौशल विकास पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक समेत कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला कोल कल्याण समिति गिरिडीह की ओर से सोमवार को माथाडी में विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके पूर्व समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान में एकजुट होकर पारंपरिक वेशभूषा और अस्त्र शस्त्र के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कोल जाति को आदिम जनजाति का दर्जा देने, कोल जाति के लिए कोल प्राधिकरण आयोग का गठन करने, समाज पर हो रहे अत्याचार को बंद करने, हड़पे गए जमीन को वापस करने, कोल जाति शिक्षा पर विशेष ध्यान देने, 1932 खतियान लागू करने की मांग सरकार से करते हुए माथाडी पहुंची। यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नुनू लाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, सिकंदर हेमरम एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि समेत तमाम अधिकारियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर और बुके देकर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। सबसे पहले चांदो लिलौरी पूर्वजों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अन्य कार्यक्रम किया गया। इस बाबत लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोल समाज को आदिवासी सूची में मेरे ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शामिल किया गया था। कहा कि इन समाज की जितनी मांग है उन पर विचार मंथन कर सरकार तक पहुंचाई जाएगी। कहा कि आदिवासी समाज के लोगों ने अलग राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज के अध्यक्ष गणेश कोहल ने कहा कि 8 जनवरी 2003 को हम लोगों को आदिवासी समाज में दर्जा मिला था। हम लोगों का मुख्य आदिम जनजाति का दर्जा देने का है, इसके लिए संघर्ष जारी है। मौके पर शिवम आजाद, रमेश कोल, सरयू कोल, राजेश कोल समेत सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। बिजली विभाग की ओर से सोमवार को बेगाबाद थाना में कई लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया।
असल में विभाग की टीम ने शनिवार को गोलगो गांव में छापेमारी के दौरान बिना कनेक्शन के बिजली जलाने वाले 9 लोगों को चिन्हित किया था। इसी को लेकर बेगमबाद थाना में केस दर्ज कराया गया। इनमें गोलगो के सत्यनारायण यादव पर 28,950 रुपए, गफूर अंसारी पर 18,978 रुपए, सुभानी मियां पर 34,612 रुपए, छोटू राम और सदानंद कुमार पर कर्मशा 12,500 रुपए, मंजूर मियां पर 36,382 रुपए, हासिम अंसारी पर 21,609 रुपए और सलीम अंसारी पर 36,890 रुपए का जुर्माना किया गया है। कुल 9 लोगों पर विभाग ने 2,12,421 रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग के जेई राम समुंदर राम के आवेदन पर केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर बिजली विभाग की कार्रवाई से अवैध कनेक्शन धारियों में हड़कंप है। छापेमारी टीम में संतोष कुमार राय, रोहित वर्मा आदि शामिल थे। गिरिडीह की प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने सोमवार को गांडी प्रखंड कार्यालय में कई पदों का प्रभार ग्रहण किया। इस दौरान इन्होंने गांडी CO, BDO व MO एवं CDPO के प्रभारी के रूप में अपना काम काज शुरू किया। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने गांडे CO मनोज कुमार और BDO निशांत अंजुम सहित MO व CDPO से अपना पदभार लिया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रशिक्षु IAS का स्वागत BDO CO सहित अन्य कर्मियों ने गुलदस्ता भेंट कर किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने कहा कि प्रशिक्षण के क्रम में मुझे 8 जनवरी से 4 फरवरी तक गांडे में कई पदों का पदभार दिया गया है। उक्त समय में ज्यादा से ज्यादा जनता के समस्याओं के निष्पादन का प्रयास किया जाएगा। वहीं गांडे की जनता से अपने इस एक महीना के कार्यकाल में भरपूर सहयोग की अपील की। बता दें प्रशिक्षु IAS मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के निवासी है, जो कि 2022 बैच की IAS है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच की ऑफिसर हूँ और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में एज असिस्टेंट कलेक्टर गिरिडीह में पदस्थापित हूँ। मैं राजस्थान भरतपुर की मूल निवासी हूँ और आज 8 तारीख को मैंने BDO कम CO इसके साथ ही MO एंड CDPO का चार्ज लिया है और मैं आशा करती हूँ कि जो मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग है वो अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से ट्रेनिंग कंडक्ट हो और यहाँ की जनता से भी मैं अपील करूँगी कि मुझे इसमें भरपूर सहयोग प्रदान करें। कब से कब तक का कार्यकाल होगा? मेरा अभी 8 तारीख से लेके 4 फरवरी तक का कार्यकाल यहाँ पर। गिरिडीह पुलिस लाइन स्थित तिनकोनिया मोड़ पर सोमवार को शहीद शेख भिखारी एवं टिकैड उमराव सिंह की शहादत दिवस मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू एवं निवर्तमान गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चांद राशिद आदि उपस्थित हुए। मौके पर मुख्य अतिथियों एवं गणमान्य बुद्धिजीवियों का बारी बारी से फूलमाला देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शेख भिखारी एवं टिकैद उमराव सिंह की जीवनी पर रोशनी डाली गई। झारखंड के उन दो वीरों की कुर्बानी को याद की गई, उन दो शहीदों की दासता को सुनाई गई। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम सोसाइटी द्वारा उपस्थित विधायक सुदेव कुमार सोनू एवं निवर्तमान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से दरखास्त किया गया कि झारखंड सरकार से बात कर इस दिन को शहीद दिवस का दर्जा देते हुए सरकारी अवकाश करने की पहल की जाए। वहीं विधायक ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कहा कि निश्चित रूप से दो वीर सपूतों की कुर्बानी को देखते हुए झारखंड सरकार को पत्राचार करते हुए 8 जनवरी को शहीद दिवस का दर्जा देने की मांग करेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी इस अवकाश के माध्यम से इन दो वीरों की शहादत को याद रखेंगे। इस मौके पर गरीब जरूरतमंद असहायों के बीच सैकड़ों कंबलों का भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद केसर, मोहम्मद मनीर, मोहम्मद अनवर, शिवनाथ साव, मोहम्मद निजाम सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित हुए।
पीठ पर वार करके हमारे इन वीर साथियों को शहीद किया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बड़ी पुरानी नज़्म थी, बड़ा पुराना शेर था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो जाहिर तौर पर उनकी निशानियों को बाकी रखने के लिए, उनकी निशानियों को जिंदा रखने के लिए, उनके जज्बे को जिंदा रखने के लिए एक सार्थक पहल की ज़रूरत है, और मैं मास्टर साहब की इस बात से बहुत जनवरी को शहीद सिख भिखारी अंसारी और तिबक युवराज सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस स्थल पर 2007 ईस्वी से उस वक्त के विधायक माननीय टेकलाल महतो जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, और आज यहां पर गिरिडीह के सदर विधायक सही से सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग समाज के पिछले तबकों को भी हम लोग शिक्षित करने का काम करें और कामयाब होवें, और हमारे क्षेत्र में शिक्षा और शराब मुक्ति, नशा मुक्ति, बाल विकास पर काम करें और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में हम लोग काम करें। इसी संकल्प के साथ आज इस शहीद दिवस को हम लोग मना रहे हैं, और हम लोग को इसी संकल्प के साथ हमारा शिक्षा और संस्कार का यात्रा आगे भी चलता रहे। गांडी प्रखंड डीलर एसोसिएशन ने सोमवार को गांडी प्रखंड कार्यालय के प्रभारी बीडीओ दीपेश कुमार को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में पूर्व की भांति अनुकंपा नीति बहाल करना, अन्य प्रदेशों के तर्ज पर मानदेय देने की घोषणा, कोरोना काल से चली आ रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण किए गए अनाज के कमीशन का भुगतान अभिलंब करना, सभी पीडीएस स्वीकृताओं की ई पॉस मशीन को 2G से 5G करने के संबंध में मांग पत्र सौंपने के पूर्व डीलर संघ ने गांधी के धोबिया मोड़ से प्रखंड कार्यालय तक बाइक जुलूस निकालकर अपनी एकता का परिचय दिया। इस विषय में डीलर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश भारती ने कहा कि बीते 1 जनवरी से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले प्रखंड के सभी डीलर हड़ताल पर है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र प्रखंड प्रशासन को सौंपा गया। डीलरों की मांग को अगर सरकार नहीं मानती तब यह हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। मौके पर संघ के सचिव राजू साव, कोषाध्यक्ष भूपेन मुर्मू समेत वीरेंद्र डीलर राम गुल मोहम्मद मोहम्मद सत्तार सहित प्रखंड संघ के सभी डीलर मौजूद थे। ये कहां से कहां तक? हम लोग धोबिया मोड़ से प्रखंड मुख्यालय तक जो है सो भ्रमण करते आया है। बाइक रैली या तो पैदल? बाइक। यहाँ कुछ सपना है मेमोरेंडम? हम लोग उसे अपना देना है। अच्छा, आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा? अब रणनीति सरकार के ऊपर है, आगे दिल्ली सरकार आगे जो है दिल्ली जाना है, 16 को दिल्ली चलना है, 16 को दिल्ली जाना है, और जब तक कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक दुकान खोला नहीं जाए। हम लोगों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ठीक, आजसू पार्टी का वनभोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम सोमवार को गांडे विधानसभा के कर्णपुरा मैदान में किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आजसू के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा उपस्थित थे। समारोह में पार्टी के कई सक्रिय पदाधिकारी सदस्य समेत गांडे विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर आजसू के केंद्रीय महासचिव श्री बैठा ने अपने संबोधन के पश्चात कार्यकर्ताओं का नव वर्ष की बधाई पेश की। उसके बाद संगठन मजबूती को लेकर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। वही मौके पर अन्य कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के मौके पर महिला जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, अनुप पांडे, गांडे प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव, सीपी साहब, भुवनेश्वर गोस्वामी, सुरेंद्र रजक उर्फ
कारू बैठा सहित गांडी बिंगाबाद व मुफस्सिल के 15 पंचायत के कई पदाधिकारी सदस्य व हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हर साल वनभोज का कार्यक्रम रहता है और हम लोग एक परिवार की तरह से पूरे विधानसभा का हर साल एक तरह हम लोग पूरा परिवार हम लोग मिलते हैं। हम लोग चूल्हा प्रमुख से लेके कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी हम लोग सब मिलते हैं। इसी तरह वनभोज का काम हर साल करते हैं, इसी पर हम लोग बैठक आज रखे थे। क्या बैठक के माध्यम से क्या कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया, क्या कुछ हुआ बैठक में? हम लोग अभी खास करके हम लोग अपने स्तर जमीनी स्तर से वो ग्राम प्रभारी पंचायत प्रभारी और बूथ प्रभारी और चूल्हा प्रमुख स्तर तक हम लोग जाके डोर टू डोर काम करने का हम लोग अभी 2 महीना समय मिला। 2 महीना पूरा स्तर तक जांच करेंगे, जाके काम करना है और सुदूर इलाका तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। और हर जो गरीब जनता चाहे किसी गांव गरीब का जो काम समस्या है वो जितना तक निदान हो सके निदान करने का प्रयास करेंगे। गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उपचुनाव की संभावना बन रही है, आजसू पार्टी किस तरीके से देखती है इस बात? पार्टी जो तय करेगी, पार्टी स्तर से हम लोग काम करते हैं और जो संगठन है संगठन ही सबसे बड़ा मजबूत चीज है। कॉलेज के बीएड विभाग हॉल में सोमवार को नए सत्र के छात्र छात्राओं के लिए सेमेस्टर 2 के बीएड विद्यार्थियों ने प्रेशर पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर एमएन सिंह, प्रोफेसर विनयते कुमारी आदि ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्राचार्य और प्रोफेसर ने अपने संबोधन में बीएड के नए छात्र छात्राओं का कॉलेज में स्वागत करते हुए कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने आप को कल के शिक्षक के रूप में तैयार करें। बताया गया कि शिक्षक ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का माध्यम है। सही गलत अच्छा बुरा का सीख देने वाले हर कोई शिक्षक कहलाते हैं। आजसू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि बीएड सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं द्वारा सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए प्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि नए छात्र छात्राओं को कॉलेज की सुविधा विशेषता और पठन पाठन के कार्यों से अवगत कराया गया। मौके पर बीएड विभाग के सभी प्रोफेसर कर्मी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह बीएड डिपार्टमेंट का सेमेस्टर 2 के छात्रों के द्वारा सेमेस्टर 1 के छात्रों का फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जो अभी फर्स्ट ईयर का जो छात्र यहाँ पे एडमिशन लिए हैं उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और उसे इस कॉलेज की जो सुविधाएं हैं, इस कॉलेज की जो है विशेषताएं हैं वो हम लोग बताने का काम कर रहे हैं और आगे कैसे वो सही ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पे वो कैसे अपना सही ढंग से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी करवा रहे हैं जिसके माध्यम से कॉलेज में अच्छा माहौल बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जूनियर लोग भी जो हम लोग का आए हैं वो लोग का भी अच्छा कोऑपरेट है और हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे बीएड स्टाफ के सभी शिक्षकों तथा एमएन सर का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है हम लोग का प्रोग्राम सफल करवाने के पीछे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी सी होगी। इस प्रोग्राम में एक बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ डांस प्रोग्राम और ड्रामा नाटक पोएट्री सभी तरह की चीज़ों जो शैक्षणिक चीज़ों को बढ़ावा देती है वैसे चीज़ हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया जिसमें 70 से 80 दिव्यांगों की जांच की गई। बताया गया कि सदर अस्पताल में हर महीने की 8 से 25 तारीख को यह कैंप लगता है। इसमें जिले भर से दिव्यांग लोग जांच कराने आते हैं। इस दौरान हाथ पैर कान नाक गला आदि से दिव्यांग लोगों की जांच कर उन्हें दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलता है, इससे उसे सरकारी लाभ मिल सके। इस कैंप में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र यादव आदि लोग अपनी सेवा दे रहे थे।
नगर निगम के पदाधिकारियों ने टावर चौक के समीप चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथी दुकानदारों का काटा गया चालान, कई दुकानदारों को दायरों के अंदर दुकान चलाने का दिया निर्देश। शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय की टीम पहुंची गिरडी नगर भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुए अब तक के कार्यों की हुई समीक्षा। वंचित लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का दिया गया निर्देश। जिला कोल कल्याण समिति गिरडी की ओर से मनाया गया विजय दिवस। इसके पूर्व समाज से जुड़े लोगों ने आदिम जनजाति का दर्जा और अन्य मांगों को लेकर निकाली रैली। बाबूलाल मरांडी समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। बिजली विभाग की ओर से बेंगाबाद थाना में 9 लोगों के विरुद्ध बिजली चोरी का दर्ज हुआ मुकदमा। छापेमारी के दौरान बिना कनेक्शन के बिजली जलाते पाए गए लोग, 12,000 से अधिक का लगाया गया जुर्माना। और प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमारी ने गांडे प्रखंड के नए अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एमओ और एसडीपीओ के प्रभारी के रूप में ग्रहण की पदभार। विभाग के कर्मियों ने किया स्वागत। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।